जय श्री कृष्ण दोस्तों, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कही गई ये बात कितनी सच्ची है दोस्तों। क्या आप सुबह 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग ऐसे बहुत से अच्छे हैबिट्स डेवलप करना चाहते हो? एंड आई एम श्योर मोस्ट लाइकली आपने ये कहीं बार ट्राई भी किया होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपने इस आदत को छोड़ दिया होगा एंड यू वुड हैव गॉन बैक टू नॉर्मल। वेल, ये होना लाजमी है क्योंकि ऑथर बताते हैं कि हम बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज एक ही दिन में या 2 दिन में लाना चाहते हैं। वेल, आज की बुक एटॉमिक हैबिट्स ये एटम यानी कि छोटी छोटी आदतों के साथ एक मैसिव रिजल्ट की तरफ जाने का एक जर्नी है और यही हम सब आज समझने वाले हैं, विच देन विल गारंटी कि आज के 1 दिन या 2 दिन बाद नहीं, लेकिन आज के लेट्स से 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ you will definitely wake up at 4 and you will definitely start doing the things you love and are important in your life. How? Stay tuned till the end and we are gonna crack the atomic habits and implement that in your life. Before we understand ki bad habits ko kaise khatam kare and good habits ko kaise nurture and develop kare, hame sabse pehle 1% rule ko samajhna hoga. Now, what is this 1% rule? Chalo, iske liye main aapko ek example dene wala hoon. Aap sab ne most likely earthquake TV mein, news mein, movies mein to dekhi hogi. इनफैक्ट कुछ लोगों ने शायद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करी होगी। अब आप बोलोगे कि अर्थक्वेक का और हैबिट्स का क्या कनेक्शन है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक कोई सडन इवेंट नहीं होती, वो केवल 2 टेक्टोनिक रॉक्स के रबिंग के कारण होती है। अब आप बोलोगे कि अर्थक्वेक का और 2 रॉक का क्या संबंध है? वेल, एग्जैक्टली यही हमें समझना है। ये 2 रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स तक रब होते रहते हैं और इसी का नतीजा होता है डाउन द लाइन एक अर्थक्वेक। मैं एक और इमेज दिखाने वाला हूं आप सबको। तो आप आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे कि 1:365 is 1, which is okay. 1.01:365 is 37.8. Wow. Now, the most important thing is the third line, which is 0.99:365 is 0.03. अब इसको समझते हैं। यहां पे 365 represents the number of days you have in a year. 1:365, अगर आप वैसे के वैसे ही रहोगे तो एंड ऑफ द ईयर भी आप 1 ही रहोगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पे सिर्फ 1% अपने आप को इंप्रूव करा तो आप बाय द एंड ऑफ द ईयर 37 टाइम्स बेटर रहोगे देन द वर्जन यू वेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन जो शॉकिंग चीज है वो ये है कि अगर आपने कोई बैड हैबिट धीरे धीरे डाल दी स्टार्ट ऑफ द ईयर में, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप एक नेग्लिजिबल बन जाओगे। एंड यही दोस्तों 1% प्रिंसिपल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज के बाद इंश्योर करो कि जो सेकंड लाइन है 1.01, उसको आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है, वेल आई एम अज्यूमिंग कि आप बोलोगे कि हाँ डेफिनेटली गोल सेटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से गोल सेटिंग सिर्फ एक डायरेक्शन सेटिंग होता है, यानी कि गोल will help you get a direction in life, but क्या आपको पता है कि whether ये goal आप achieve करोगे या नहीं is completely dependent on the habits you follow on a daily basis, जिसको आप rituals बोल सकते हो, जिसको आप daily habits बोल सकते हो, जिसको आप routine बोल सकते हो, so on and so forth, and that's exactly जो author हमें improve करने बोलते हैं। author बोलते हैं कि develop the system, focus on the system and the process, the goal will most likely be automatically achieved. And यही same concept कृष्ण ने भी तो बताया है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Exactly कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो मिलेगा ही अगर तुम कर्म अच्छे करोगे। And anyways, अगर वो goal नहीं मिला तो जो भी मिलेगा वो 1000 times better होगा than what you have thought of. दोस्तों अब इस बुक की मैं सबसे रिवॉल्यूशनरी स्टोरी की बात करने वाला हूँ। ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, एक ऐसी टीम जिन्होंने 110 सालों में एक भी मेडल नहीं जीता था, एक ऐसी टीम जिनको स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर करने से भी कतराते थे, और वो भी ब्रिटेन जैसी कंट्री की जो उस जमाने की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री थी। कितना एम्बेरेसिंग लगता होगा उन सारे प्लेयर्स को। लेकिन 2004 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद उन्हें सख्त जरूरत थी, विच इज दे हायर्ड अ कोच कॉल्ड एज डेविड। नाउ डेविड ने उनसे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा एक्सरसाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। तो समझते हैं कि डेविड ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो उसने एक सर्जन हायर किया। अब आप बोलोगे एक साइकिलिंग और सर्जन का क्या कनेक्शन है, तो यही एग्जैक्टली हमें समझना है। उस सर्जन से उन सारे प्लेयर्स को ये ट्रेनिंग दी गई थी
कि रोज हाथ कैसे धोए जाए, हाउ टू वॉश योर हैंड्स, हाउ टू वॉश योर फेस, हाउ टू गेट फ्रेश इनफ, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने अपना जो कॉस्ट्यूम था उनके प्लेयर्स का वो सारा चेंज करा सो दैट प्लेयर्स को ज्यादा लाइट वेट फील हो जब वो साइकिलिंग कर रहे हो। उन्होंने अपने साइकिल का सिट्स भी चेंज करवाए सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लीन डाउन। उन्होंने शूज में थोड़े चेंजेस किए, पिलो और बेड इनमें सोना कैसे है, टाइम पे सोना, वो चेंजेस किए। एंड सबसे शॉकिंग चीज था कि उनकी जो टीम की ट्रक थी जिसके थ्रू वो लोग ट्रैवल करते थे उसको अंदर से व्हाइट पेंट किया ताकि अगर कोई डस्ट दिखे तो उन्हें क्लीन कर सके। नाउ अगर कोई और इस कहानी को यहां तक सुनता तो मोस्ट लाइकली कहता ये कुछ पागल हो गया है। एंड आई एम श्योर मेनी प्लेयर्स विद इन दैट टीम मे हैव सेड दैट, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन 2008 ओलंपिक्स। Britain won 60% of all the medals in cycling. How was that possible? By merely doing this atomic habits. That's exactly what author says is the magic of it. Now, वो यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने पास टू डे फ्रांस जीते, बहुत सारे ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, और ये सब हुआ लगभग एक 10 साल के स्पैन में। How? By merely focusing on atomic habits. And that's exactly the power of compounding, जो author बताना चाहते हैं। और अगर उनके टीम के सिर्फ छोटे छोटे habits के साथ इतना vast difference आ सकता है, तो आपके life में, मेरे life में, ये atomic habits definitely एक revolution ला सकती है। I wish कि इंडिया का हर youth atomic habits इस book को पढ़े, वो सारे habits को implement करे अपने real life में since young age, and I'm sure with time वो बहुत सारे championship records अपने अपने field में achieve करेंगे, और शायद ये ही Dr. APJ अब्दुल कलाम जी का भी सपना था, to ignite the fire of all the youths that exist in our country. Anyways, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें goal और habits का difference समझ में आ गया। अब हम जाने वाले हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ हैबिट। ओके, इसमें चार टर्म है, इसको हम अच्छे से समझेंगे एंड देन विल फाइनली कम टू गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हैबिट। तो सबसे पहले तो हैबिट क्या है? हैबिट होता है एक चीज जो रूटीन हो जाती है अपने बॉडी को, लाइक अपने बॉडी को दो बार सोचना नहीं पड़ता कोई चीज करने से पहले। वेल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ हैबिट इज लाइक डेली उठ के ब्रश करना। ओके, तो ये आपका हैबिट बन चुका है, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ब्रेन को प्रेशर नहीं लेना पड़ता, और ब्रेन फिर उसकी एनर्जी कहीं और यूज करता है, और यही आपको समझना है। एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फोर थिंग्स, विच इज क्यू, सी यू ई। ओके, क्यू यानी कि ट्रिगर, द सेकंड इज क्रेविंग, द थर्ड इज रिस्पॉन्स, एंड द फोर्थ इज गोइंग टू बी द रिवॉर्ड। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा माइंड एक रिवॉर्ड डिटेक्टिंग मशीन है, वो कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड्स की खोज में रहता है, और जैसे उसको एक हिंट मिलती है कि ये खा के मुझे, या फिर ये करके मुझे, या फिर ये पी के मुझे चैन मिलेगा, तो वो उसके लिए एक रिवॉर्ड बन जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो क्यू होता है, मान लो कि जंक फूड, ठीक है, तो अगर आप मैकडी के सामने से गए एंड आफ्टर लुकिंग एट दैट वंडरफुल लोगो यू फील लाइक गोइंग इन देयर एंड हैविंग सम बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, so what happens is that logo gives you the cue, okay, cue, aisa cue hota hai, cue, hindi wala cue, the reason is because past mein apne ye burger ko kha ke mind ko ek bahut hi achhi wali reward feeling di thi, aur isliye usko fir se wo hint mil gayi hai jab aap McD ke baju se jaane wale ho, aur yahi cheez hoti hai jaise ek smoker ke sath, ek drinker ke sath, ya har wo galat aadat ke sath thi। ओके, तो दूसरी चीज है क्रेविंग। अब क्रेविंग होती है जब एक क्यू मिलने पर आपके मन में वो जिज्ञासा या वो चीज की बस मुझे ये चाहिए और वो रिपीटेशन मोड में तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा जब तक आप उसको दोगे नहीं, तो डोपामिन उसको मिलेगा नहीं। एंड दैट्स एग्जैक्टली इज व्हाट क्रेविंग इज। नाउ द थर्ड थिंग इज वेयर एवरीथिंग हैपेंस, व्हिच इज रिस्पॉन्स। अगर क्रेविंग को तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया द एक्शन दैट द माइंड वॉन्टेड, तो तुम मोस्ट लाइकली एक गलत चीज कर ही दोगे, और यही वो रिस्पॉन्स है जो मैकडी में जाकर आपको न चाहते हुए भी आपसे कोक फ्लोट एंड बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज और ऐसे जंक फूड आपको खाने पे मजबूर करते हैं। एंड द रिवॉर्ड इज व्हाट द माइंड गेट्स। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ माइंड कंट्रोल्स यू। नाउ आपका अगला क्वेश्चन होगा, तो ये सब तो ठीक है, तो फिर हम अच्छी आदत कैसे बनाएं? और इसके लिए ऑथर बताते हैं, द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज द रिस्पॉन्स। जब आप मैकडी में जाते हो या फिर मैकडी में जाने का क्रेविंग आ जाता है, व्हाट एसेंशियली द ब्रेन इज लुकिंग फॉर इज जस्ट द रिवॉर्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू हिज टमी, इजंट इट?
तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मैकडी ट्राई करो कि उसके बाजू में अगर कोई हेल्दी स्नैक वाला दुकान होगा, जैसे इडली वाला एज एन एग्जाम्पल, तो इट्स बेटर कि आप वहां से इडली खा लो। आपके माइंड को धीरे धीरे लगने लगेगा कि यही वो रिवॉर्ड था जिसकी उसे तलाश थी। एंड ऐसे ही बैड हैबिट को आप गुड हैबिट में बदल सकते हो। मैंने इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल अपने लाइफ में भी कवर किया था कि कैसे बहुत सारी कंपनी जैसे स्टारबक्स एंड सो ऑन अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं थ्रू कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। आप इस वीडियो के बाद उस आई बटन पे दिए गए लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, एंड दिस इज वन कॉन्सेप्ट दैट आई रियली वांट यू टू इंप्लीमेंट, व्हिच इज स्टैकिंग हैबिट। अब इसका मतलब क्या है? हैबिट का स्टैक बनाना, लेयर बनाना, ठीक है? और दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू विल चेंज योर लाइफ। तो इसको समझते हैं अच्छे से। ऑथर बताते हैं कि हमें हैबिट का स्टैक बनाते रहना चाहिए अपने लाइफ में। नाउ बिफोर आई कम टू द सॉल्यूशन, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं जो इस बुक में दिया गया है। सो बेसिकली एक सर्वे को समझते हैं बिफोर वी कम टू द सॉल्यूशन। एक 248 लोगों के साथ किया गया रियल सर्वे। इनको तीन ग्रुप में बांटा गया था। पहले ग्रुप को बोला गया था कि तुम्हें डेली 7 दिन के लिए ये एक्सरसाइज करने हैं। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें डेली 7 दिन के लिए एक्सरसाइज करने हैं, लेकिन साथ में उन्हें कुछ मोटिवेशनल सीरीज भी दिए गए थे। एंड थर्ड ग्रुप को बोला गया था कि तुम्हें रोज एक्सरसाइज करने हैं 7 दिन के लिए, ये कुछ मोटिवेशनल सीरीज है, लेकिन इसके अलावा तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस ये लिख के निकालना है कि आप कौन सा एक्सरसाइज कब करने वाले हो और उस एक्सरसाइज के बाद क्या करने वाले हो और फिर कैसे आपके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने वाले हो। नाउ अब 7 दिन के बाद का रिजल्ट समझते हैं। शॉकिंगली द फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में ज्यादा कुछ डिफरेंस था ही नहीं, यानी कि मोटिवेशन डिड नॉट वर्क एज मच, व्हिच इज आल्सो ट्रू इन रियल लाइफ। 38% लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज करा था इन दोनों ग्रुप से। लेकिन जो तीसरा ग्रुप है, जिन्हें लिखने बोला गया था कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या करोगे, एक्सरसाइज के दौरान क्या करोगे, कौन सी एक्सरसाइज करोगे, कब करोगे, उनमें 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया था। एंड एग्जैक्टली यही चीज ऑथर रिकमेंड करते हैं। वो बताते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द हैबिट स्टैकिंग। सो आज सोने से पहले आप लिख लो कि कल सुबह आप 4 बजे उठकर मेडिटेशन करोगे, फिर आप एक्सरसाइज करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, जो भी आपका रिचुअल है जो आप करना चाहते हो उसको लिख लेना। एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस इन यू, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन फॉलो इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर रिलेशनशिप, एनीवेयर। मोस्ट लाइकली आप उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके माइंड को वो सारे विजुअल्स थ्रू आईज पहुंच रहे हैं, थ्रू राइटिंग पहुंच रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ सेंसेस वर्क। यू गिव गुड थिंग्स टू द सेंसेस, द माइंड डज द बेस्ट थिंग। यू गिव बैड थिंग्स टू द सेंसेस, the mind does the worst thing. So exactly same चीज कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि the mind is either the best friend or he is the worst enemy. And it is upon us how we control our senses so that we can make mind the best friend. So दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही revolutionary book है, सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा आप इस book को खरीदो अगर possible हो तो। इस book के पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में बहुत सारा changes already day to day life में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले समझा कि 1% रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने बाद में समझा कि क्यों हैबिट्स इज इक्वली और इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मियरली डूइंग अ गोल सेटिंग। और उसके बाद हमने समझा कि गुड हैबिट्स यानी कि क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड देन रिवॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड टू ओवरकम बैड हैबिट्स, एंड इवेंचुअली द हैबिट स्टैकिंग, व्हिच इज write it down of what exactly you want to do and what you will do after that and so on and so forth. Is cycle ko jab aap likhna shuru karoge to most likely aapke life mein bahut sara difference aa jayega. Anyways, with that note, hamesha ki tarah main aapko Bhagavad Gita ka ek shlok batane wala hu jo isi concept of habit building ko explain karte hain Shri Krishna. तो श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 41 श्लोक में कुछ ऐसा बताते हैं। तस्मात् त्वम् इन्द्रियानादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कृष्ण क्या बताना चाहते हैं। कृष्ण बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, आंख नाक उन्हीं चीजें पे फोकस करो जो कि अच्छी है, और जैसे जैसे तुम सेंसेस को कंट्रोल करोगे आपका माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, आपके रॉन्ग डिजायर्स कंट्रोल हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू बिकम लिबरेटेड, दैट इज हाउ यू अचीव एवरीथिंग यू नीड इन लाइफ।
And that's exactly the message of Atomic Habits. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर करना. हो सकता है उन्हें भी एटॉमिक हैबिट्स के ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे. अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो अच्छा लगा या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसपे आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करने को फ्रॉम दिस बुक. एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो और ये सारे लर्निंग्स ऑफ एटॉमिक हैबिट्स और ऐसे कहीं सारे बुक्स पसंद आए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए थैंक यू. जय श्री कृष्ण.